मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यहाँ पर जो आपको संख्या दे रखी है उसके आपको अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड का मतलब हुआ इसके टुकड़े इस तरीके से करने हैं कि वो गुणे के रूप में आए। पर एक ही इसमें और लिख दिए यहाँ पर अभाज्य। अभाज्य का जो मीनिंग है वो ये होता है कि ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें यहाँ पर ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं हों। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका पहला पार्ट 463 है। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो सबसे पहले हम दो की भाजकता का नियम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इकाइयाँ कितना है, 8 है, इसलिए इसके दो का भाग होगा होगा जाएगा। लगाते हैं 2 × 4, 2 × 6 और 2 × 4। इसी तरह वापस आगे चलते हैं तो यहाँ पर इकाई वापस कितना है, 4, इसलिए इसमें वापस किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 2 × 2, फिर वापस 2 × 2 और 2 × 7 = 14। अब देखें यहाँ पर इकाई जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। इसका मतलब जो अगली अभाज्य संख्या है 3 है, उसका नियम हम यहाँ पर लगा सकते हैं अगर लगता है तो। देखें 7, 1, 8 और 1, 9। तो 3 की वैधता का नियम होता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाए। यहाँ पर इसका योग जब हमने किया तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 × 9, पीछे कितने बच गए, 2 और 3 × 27। वापस देखेंगे योग करता हूँ तो 9 × 3 = 12 होता है और 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 × 3 और 3 × 9 और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें 13 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 468 जो है उसके गुणनफल क्या है, ये है 2 × 2 × 3 × 3 × 13। इस तरीके से आपके पास 468 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके जो टुकड़े होंगे वो कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। 945 अब देखें 2 की भाज्यता का नियम यहां पर अप्लाई नहीं होता है, तो अगली संख्या है 3। योग करते हैं 5 और 4 9, 9 और 9 18। 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। हम 3 का भाग इसमें लगाते हैं, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 5 = 15। वापस देखें 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 × 3, 1 0 करेंगे और 3 × 15। अगेन 5 और 1 6 है, 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 × 9 और 3 × 15। अब देखेंगे आप अगर ध्यान से तो इसका योग जो है वो कितना हो रहा है, 8 में 3 का भाग नहीं जाता। तो 3 के बाद अगली जो आपके पास अभाज्य संख्या है वो 5 है और 5 की भाज्यता का नियम होता है यदि इकाई अंक 0 या 5 हो। तो देखिए आप इसका इकाई अंक कितना है, 5, तो इसमें 5 का भाग पूरा हो जाए, 5 × 7 = 33 और 7 एक खुद अभाज्य संख्या है। इस तरीके से 945 के अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से। इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है वो देख लेते हैं। 140
140 के हमने कितने घंटे हैं यहाँ पर? जीरो आ रहा है, दो बज जाएगा, दो सत्ते चौदह, फिर जीरो आ रहा है, फिर दो बज जाएगा, दो किया छः, दो इकाई पाँच आ गया, तो पाँच का जाएगा सात बार और सात एकदम सात। तो 140 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से हो। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसका 38-25 दिया हुआ है, क्या कहता है 38-25? इसमें दो का भाव नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाइयां 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो अगली संख्या आती है अभाज्य 3, 8 और 2, 10, 10, 5, 15, 15 और 3, 18। इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। लगाते हैं 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बज गए 21 और 3 बज गए। देखें योग करते हैं 7 और 3, 10, 5, 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 बज गए। देखें वापस अंकों का योग करें, 4, 2, 6, 6 और 5, 11 होता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अगली अभाज्य संख्या जो है वो 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग है, 5 और 8, 40 और 5 25। वापस 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, 17 एकम 17। 38-25 जो है उसके गुणनखंड कुछ इस तरीके से हुए, 3 × 3, 5 × 5 × 17। यहाँ पर भाजकता के नियम हमें याद होने चाहिए, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचवा पार्ट, 20, 570। सबसे पहले मैं इसमें 2 का भाग लगाऊंगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है वो 0 है। 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 1 बज गया, 2 और 16, 2 बज गया 10। अब इसका इकाई अंक जो है वो 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 की भाजकता का नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, तो 5 का लगा, 5 दूनी 10, 2 अंक ले रहे हैं, इसके भाग टूटेगा तो 0 आएगा, फिर 25, पीछे बच गए आपके पास 3 और 5 सत्ते। 5 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो 7 है, और 7 की भाजकता का नियम कहता है कि यदि इकाई अंक का दुगुना कर इकाई अंक को हटाने से बनी संख्या में से घटाएं, घटाने पर प्राप्त संख्या में यदि 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उस संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, जो कि यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है आपके पास 11, और 11 की भाजकता का नियम कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग में, योग के अंतर में यदि 11 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर तो ये पहले स्थान पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे, तो पहला और तीसरा 2 प्लस 5, दूसरा और चौथा 0 प्लस 7, ये कितने हो गए 7, ये कितने हो गए 7, इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना है, कितना आया 0, और 0 में 11 का भाग लगाएंगे तो 0 आता है, भाग जाता है, इसका मतलब यहाँ पर मैं 11 का नियम लगा सकता हूँ। तो 11 एकम 11, पीछे कितने बच गए 9, और ये 5, 11 8 88, पीछे कितने बच गए 7, और 11 7 77। इसमें वापस 11 का भाग चला जाएगा, देखें 1 और 7 8, 8 में से 8 गया 0, इसका मतलब 11 का भाग इसमें वापस चला जाएगा।
तो 11 की बहत्तर संख्या भी मिला यार, 11 एकम 11 और 11 का 17 अब 17 बन जाएगा, 17 एकम 17। तो इसके लिए टुकड़े होंगे इस तरीके से हुए 20,570 के जो टुकड़े हुए आपके पास, वो 2 × 5 × 11 × 11 × 17। तो इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आज सिखाया है, इसको आप ध्यान से देखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्न युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF व लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो कि HCF इंटू LCM बराबर पूर्णांकों का वर्ग। पूर्णांक का मतलब है ये जो दोनों संख्याएं हैं ये पूर्णांक है। आपको इन दोनों संख्याओं से महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम HCF और LCM ज्ञात करना सीख रहे हैं वो अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख रहे हैं। तो इन दोनों संख्याओं का मुझे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ेगा, जो कि जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। तो 96 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। फिर 2 बच जाएगा, 2 × 4 = 4, 2 × 8 = 8। फिर 2 बच जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 4। फिर 2 बच जाएगा, 2 × 6 = 12। फिर 2 बच जाएगा, 2 × 3 = 6 और 3 = 1। इसी तरीके से फिर 4 × 4 जो है इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ेगा। तो 2 का जाएगा क्योंकि इकाई में कितना है 4 है, 2 × 4 = 0, 2 × 4। अगेन 2 का लगाएंगे, 2 × 2 और 0, 2 × 2 और 101 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है। तो जो 96 है इसके टुकड़े कुछ इस तरीके से हुए, 2 × 2 × 2 × 2 5 × 3 = 5 × 3 तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2 कितनी बार आया है 5 बार, 2 × 5 × 3 में 1 लगा सकता हूँ। फिर 4 × 4 जो है उसके टुकड़े कुछ इस तरीके से हुए, 2 × 2 × 101, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आती है बात जो है यहाँ पर आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF और HCF का मीनिंग हुआ हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, इंग्लिश में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितना कॉमन निकाल सकते हो वही HCF होता है। इसके लिए ध्यान से देखिएगा कि जब भी आप HCF निकालेंगे तो जो समान पद है उसकी सबसे छोटी घात जो होगी वही HCF हो जाएगा। समान पद देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों में 2 की सबसे छोटी घात कौन सी दिख रही है, 2 की घात 2। तो ये 2 की घात 2 का मीनिंग हुआ 2 × 2 = 2, कितना आ गया 4। मैंने क्या बोला, महत्तम समापवर्तक के लिए HCF के लिए जो समान पद है उसकी सबसे छोटी घात ले लेनी है आपको। क्लियर है सभी को? आइए बात सुनते हैं क्या कहा गया कि समान पद की सबसे छोटी घात। जो समान पद था इसमें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, इसका मतलब समान पद कितना है 2, और इसकी सबसे छोटी घात कौन सी दिख रही है, 2 की घात। देखें आप 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं है, इसका मतलब 3 समान पद नहीं है। 101 यहाँ है, यहाँ नहीं है, इसलिए 101 भी समान पद नहीं है। अब आती है बात LCM की। LCM कैसे लिखेगा, लघुत्तम समापवर्तक LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा जो गुणज है वो सब आ जाएंगे।
यहाँ पर इसको निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी पद दिए हुए हैं उन सभी पदों की सबसे बड़ी घात वही है। जितने भी पद हैं उनकी सबसे बड़ी घात, तो देखें यहाँ दो का पद है तो दो की सबसे बड़ी घात कितनी है, दो की घात पाँच। फिर कौन सा पद है, तीन, और इसकी बड़ी घात क्या है, तीन की घात एक। और अगला पद कौन सा है, 101, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 101। इसके मुझे क्या कर ले रहे हैं, टुकड़े कर ले रहे हैं, ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 9696 आ जाएगा। तो एस सी एम कितना निकला, 4, और एल सी एम कितना निकला, 9696। अब यहाँ पर आपको सत्यापन करना है, क्या करना है, सत्यापन। जब हम करेंगे तो सबसे पहले इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये हमने लिख दिया एक फॉर्मूला, एस सी एम इंटू एल सी एम बराबर गुणांकों का गुणनफल। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो सत्यापन कर रहे हैं, क्या है फॉर्मूला, एस सी एम इंटू एल सी एम बराबर गुणांकों का गुणनफल। तो एस सी एम कितना है, 4, इंटू एल सी एम कितना है, 9696। गुणांकों को दो दिए गए, एक 96 दिया हुआ और एक 404। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको गुणा करना है। इसी तरीके से इन दोनों का भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आपके पास 38784 आ जाएगा जब आप इसका गुणा करेंगे। इसी तरीके से इसका जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर भी 38784 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल का साइन, बराबर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल बराबर ही आना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन यह है कि एस सी एम और एल सी एम आपका सही निकला हुआ होना चाहिए। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, आपको एस सी एम और एल सी एम दोनों निकालने हैं और सत्यापन करना है। तो सबसे पहला काम आपको अभाज्य वर्गखंड बनाना है, इकाई अंक 6, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 2 अटे 16। फिर 2 का जाएगा क्योंकि इकाई अंक 8 है, 2 अटे 16, 2 चौक। फिर 2 का जाएगा, 2 चौक 8, 2 दो 16। फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम। अब 3 का जाएगा क्योंकि 3 के पाड़े में 20 आता है, 3 और 7 21 और 7 एकम 7। इसी तरीके से 54 की बात करेंगे तो इसमें 2 का भाग क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ताईस, 3 3 9 3 एकम। तो 336 जो था उसके टुकड़े कुछ इस तरीके से हुए, 1 2 3 4 बार आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7, 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार घुने के रूप में है, इसलिए 2 की घात 4, 3 एक बार आ रहा है, 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की घात 1 और 3 की घात। सबसे पहले एस सी एफ निकाला, एस सी एफ के लिए क्या बताया कि जो समान पद है उसकी सबसे छोटी घात। अब देखें समान पद कौन सा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 समान पद है और सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की घात। और देखें कौन सा समान पद है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, समान पद हुआ 3, और 3 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 1। 7 यहाँ है पर यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब समान पद नहीं है 7। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6। इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए बताया सभी पदों की सबसे बड़ी घात, इसमें 2 का पद है तो 2 की घात 4, 3 का पद है तो 3 की घात 3 और
सात का पद भी है जो सात के घात के। सभी का दो का पद है बड़ी घात कौन सी है बिहार चार मीडिया। तीन का पद भी है और तीन की सबसे बड़ी घात कौन सी है तीन की घात की मीडिया। और सात का पद भी है और सात की सबसे बड़ी घात तीन की। गणित टुकड़े इसके दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू सात। जब मैं इसका गुणा करूंगा तो मेरे पास चौहान से आएगा तीस चौबीस आ जाएगा। अब क्या करना है सत्यापन करना है सत्यापन करना है कैसे एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। एस सी एफ कितना निकाला आपने छह निकाला। एलसीएम कितना निकाला है ये निकाला होगा। पूर्णांक कौन से दिए गए हैं 336 और दूसरा पूर्णांक 6। इन दोनों का आपस में गुणा करना है और गुणा करने पर आपके पास आंसर जो आएगा 18144। इसका भी करेंगे तो सेम आ जाएगा। इस तरीके से इसका सत्यापन हमने कर लिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या कह रहा है नहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कुछ इस तरीके से है 90 और 144। इसका आपको क्या निकालना है बात सॉल्वमेंट करना है करते हैं। ये 90 दो का जाएगा दो चौक आठ दो पंजे 10 पांच और चार नौ होता है इसका मतलब तीन का जाएगा तीन एकम तीन और तीनों का ये 15 फिर तीन का जाएगा तीनों का ये 15 और फिर पांच का जाएगा पांच एकम पांच। इस तरीके से 144 का भी हम आवाज कॉन्फ्रेंट कर लेंगे दो का जाएगा दो सत्य चौदह दो दुनी चार फिर दो का जाएगा दो दिया छः दो छू बारह फिर दो का जाएगा दो एकम दो दो अट्ठे सोलह फिर दो का जाएगा दो नौ अठारह फिर तीन का जाएगा तीन किया नौ फिर तीन का जाएगा तीन एकम। इस तरीके से आपके पास जो टुकड़े हुए 90 का टुकड़ा क्या होगा दो इंटू तीन इंटू पांच दो की घात एक तीन की घात दो पांच की घात एक। और 144 जो है उसके टुकड़े कुछ इस तरीके से हुए एक दो तीन चार बार लगाए तो दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो तीन इंटू तीन तो कंडीशन आए दो की घात चार और तीन की घात। जब यहां से आप एच सी एफ निकालेंगे तो वह है कि समान पद की सबसे छोटी घात। समान पद कौन कौन से निकले दो है यहाँ भी दो यहाँ भी इसका मतलब दो समान पद है और इसकी सबसे छोटी घात दो की घात इंटू बस है तीन की यहाँ भी है तीन यहाँ भी है समान पद तीन हुआ और तीन की सबसे छोटी घात तीन की घात दो दो इंटू तीन इंटू तीन। यहां से जब गुणा करेंगे तो तीन की अनुमान होगी 18 एलसीएम एलसीएम निकालना है। और एलसीएम के लिए आपके पास कंडीशन है कि सभी पदों की सबसे बड़ी घात तो दो का पद है तो दो की सबसे बड़ी घात दो की घात चार तीन का पद है तीन की सबसे बड़ी घात तीन की घात दो और पांच का पद है पांच की घात तीन। जब इसका गुणा करेंगे तो दो इंटू दो इंटू दो तीन इंटू तीन इंटू पांच गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 720। तो एससीएफ निकल गया एलसीएम निकल गया सत्यापन करते हैं। सत्यापन क्या है एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर पूर्णांकों का एलसीएम कितना निकाला आपने 18 एलसीएम कितना निकाला 720। पूर्णांक कौन कौन से हैं 90 है और 144। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
जब करेंगे उसका भी 12,990 आ जाएगा, तो सत्यापन हमारा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको 2.2 के दो क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए।